नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लास से जुड़े नोट्स पीडीएफ इंस्टा मोजो पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अनअकैडमी पर भी मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप हमसे सीधे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पर हमें सीधे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ हम जो संविधान के विदेशी स्रोत हैं, मतलब भारत के संविधान में विदेशों के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, इन सारी चीज़ों पे अच्छे से बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले बात करते हैं हम प्रस्तावना पे, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो संविधान के मूल भाव को उजागर करती है। मतलब हमारा जो इतना वृहद संविधान है जिसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, इतना बड़ा जो संविधान है उसका जो मूल भाव, मतलब कंक्लूजन, एक निष्कर्ष की तरह से, मतलब टोटल आप उसको इस प्रस्तावना को पढ़कर समझने की कोशिश कर सकते हैं, इतना पावरफुल है ये प्रस्तावना, ठीक है। और इसमें कई ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो इसे अन्य देशों से भिन्न बनाते हैं। कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पे ये प्रस्तावना नहीं होता जिनके संविधानों में, ठीक है। तो ये एक हमारी विशेषता है कि हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना है जो अन्य देशों से इसे भिन्न भी बनाती है, और इस प्रस्तावना में समय समय पर कई संशोधन किए गए, लेकिन एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। क्या क्या बदलाव किए उसको हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, इसका जो संविधान संशोधन हुआ, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो चीज़ हुआ उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की कि हमारा संविधान सबसे वृहद, सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है, ठीक है। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। तो संविधान को वैसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक होता है लिखित और एक अलिखित, मतलब मौखिक रूप से, ठीक है। लिखित जैसे अमेरिका का संविधान है, हमारा भारत का संविधान, अलिखित मतलब जैसे ब्रिटेन का संविधान, वहाँ पे कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें अलिखित है और उनका जो जैसे संविधान है उस तरह से उनका पालन किया जाता है, ठीक है। तो भारत सबसे लंबा लिखित संविधान है, भारत का जो संविधान है वो, इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का इतना बड़ा, इतना वृहद होने का बहुत सारे कारण है। एक तो भारत इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है, ऐसे ऐसे राज्य हैं, ठीक है, मतलब सांस्कृतिक विविधता बोल लो, राजनीतिक विविधता बोल लो, ठीक है, भौगोलिक विविधता बोल दो, और यहाँ पे अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो उन सब का चीज़ों का जो कल्याण के लिए हम जो चीज़ों का उल्लेख किए हैं संविधान में, इसलिए बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो भारत, ये आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और पहला लिखित गणतांत्रिक संविधान था अमेरिका का संविधान, ये 1789 में ही संविधान बना चुके थे अपना, ठीक है। तो हमारे जो भारत का जो संविधान है वो पूरे भारत का एक संविधान है, ठीक है, मतलब केंद्र और राज्य के लिए एक संविधान है, एकल संविधान की व्यवस्था भारत में है। मतलब ऐसे नहीं है कि राज्यों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था होती है, अपवाद में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान बनाया गया है, बाकी पूरे केंद्र और राज्य का एकल संविधान है, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से विहित हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे विदेशी तत्व विद्यमान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये संविधान का ये चीज़ कौन से देश से लिया गया है, ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको देखना है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है, वैसे तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ठीक है, मतलब लगभग संविधान जो हमारा आज रेडी है उसका 60 से 70% यहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही करीब
60 देशों का समावेश दिखता है हमारे संविधान में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक कथन कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। तो कौन कौन से देशों से क्या क्या चीजें ली गई हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जो सिर्फ कौन कौन से देशों से क्या क्या चीजें ली जा रही हैं उन पे ही फोकस करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आता तो वो वैसा तो हम उसका अलग से क्लास भी लेंगे, ठीक है। तो अभी बस आप फोकस कीजिए कि क्या चीज कौन से देश से ली गई है, ठीक है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का पद हो गया मंत्रिमंडल, ठीक है, और मंत्रिपरिषद, ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद आपको याद हो जाएगा, एकदम सेम सेम जैसे लग रहा है, ठीक है। और ये रिलेटेड है प्रधानमंत्री से, ठीक है, और ये सभी रिलेटेड है संसद से। तो संसद शासन व्यवस्था, तो ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एकल नागरिकता, मतलब हमारा जो है एकल नागरिकता संविधान है, मतलब किसी राज्य के लिए अलग से कोई नागरिकता लेना नहीं पड़ता, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कानून हमारे देश में जिस तरह से बनता है वो सारी चीजें जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से इतने सारे चीज को लेने का इसलिए कारण भी था कि जो भारत है पहले अंग्रेजों के अधीन था, तो बहुत सारी चीजें जो थी हम इनके आधार पे ही आज तक बनाते आ रहे हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। तो ये तो एकदम हमेशा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये, कौन से देश से संबंधित सूची लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके साथ साथ केंद्र और राज्य के बीच संबंध और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जो इंसान को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। यहाँ पे हमारा बहुत लोगों का, मानव का बहुत अच्छे अच्छे जो गरिमामय जीवन के लिए जो उनको कम से कम जो चीज चाहिए होता है उनका उल्लेख होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और इसके साथ न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान ही सबसे सर्वोच्च है। कोई नियम कोई कानून ऐसा नहीं है जो संविधान के ऊपर हो, संविधान सबसे ऊपर है। कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमारे देश में सबसे सर्वोच्च संविधान है। इसी के आधार पे पूरा शासन व्यवस्था, पूरा कानून चलता है। तो ये चीज भी अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, और ये तो एकदम सिंपल है, आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ महाभियोग। तो ये सारी चीजें कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, ठीक। अब कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था मतलब जहाँ दो स्तर पर शासन हो, केंद्र व प्रांत, ठीक है, दोनों स्तर का जहाँ पे शासन होता है, ठीक है, दोनों की शक्ति का जो सर्वोच्च होता है वो संविधान होता है। संविधान जैसा कहता है उस पे केंद्र और राज्य को शक्तियों का बंटवारा करके अपने हिसाब से शासन करना पड़ता है, तो वो संघात्मक व्यवस्था कहलाता है। तो वो कनाडा से लिया गया है। इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, और कुछ ऐसी शक्तियां जो बच जाती हैं, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र में निहित हो जाती हैं। तो ये अवशिष्ट जो शक्तियां हैं ये भी कनाडा की देन है, कनाडा से लिया गया है। इसके साथ साथ राज्यपाल का पद भी यहाँ से लिया गया है। अब बात करते हैं हम फ्रांस। तो फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का भाव। तो ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, आजादी की लड़ाई, वहां से ये भाव लिया गया, स्वतंत्रता समानता और बंधुता का। इसके साथ साथ गणतंत्रता या गणतंत्र व्यवस्था का जो है चीज यहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। इसके बाद देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, और राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है वो भी लिया गया है आयरलैंड से ही। इसके साथ साथ राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये आप कम से कम ये याद रखिए। उसके बाद देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, और ये लिया गया है रूस से। आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कैसे संविधान में संशोधन करेंगे ये प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं, आप वो वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड का एक मैप बना लीजिए,
ठीक है, संसार का एक मैप बना लीजिए और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, जैसे कि देखिए रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से संवर्दी सूची लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, मतलब सारे चीज़ आप मैप में लिख डालिए, आपको आसानी हो जाएगा याद रखने में, जो चीज़ हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। तो इसी तरह आप इस मैप को बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता संविधान की, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। देखिए ऐसे ऐसे जो भाषाएं हैं वो लिखी होती है, ठीक है, तो देखिए नम्यता मतलब होता है लचीला और अनम्यता मतलब कठोरता, मतलब हमारे संविधान में बहुत से तत्व ऐसे हैं जो अत्यधिक लचीला है और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कठोर है, ठीक है, मतलब हमारा जो संविधान है इन दोनों का समन्वय का भाव बताता है। तो संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से वर्गीकृत किया जाता है। अनम्य या कठोर संविधान किसे कहते हैं जिसमें संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है, ठीक है, विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। विशेष प्रक्रिया मतलब देखिए दो सदनों के दो तिहाई सदस्य की उपस्थिति होना चाहिए और जितने उपस्थित हों उनके आधे से ज्यादा मतदान की आवश्यकता होती है, मतलब अगर कोई संशोधन करना हो तो दो सदन, ठीक है, दो सदन की अगर बात करें तो जैसे दो सदन होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो अगर बात करें लोक दो तिहाई, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, लोकसभा में 100 सदस्य है तो 100 का 2/3 100 सदस्य हैं तो उपस्थित होना चाहिए कम से कम 2/3, इसका मतलब 66। अब इस इतने लोगों में मतदान होगा तो 50% से ज़्यादा हमको चाहिए, मतलब ये इसका 50% हो जाएगा 33, कम से कम हमें 34 वोट चाहिए किसी संविधान को संशोधन करने के लिए उसके पक्ष में, ठीक है। तो ये आपको इस तरह समझना है, फिर लोकसभा से ये जाता है राज्यसभा, फिर राज्यसभा के से राष्ट्रपति के पास चले जाता है, इस तरह से जो है कानून या संविधान का संशोधन होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं और कुछ चीज़ें इससे क्या होती हैं, आधे से ज़्यादा राज्यों का भी समर्थन वहाँ पे होना जरूरी हो जाता है, तो इतना जटिल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान में ये व्यवस्था भी है, साथ साथ कुछ चीज़ें अत्यधिक लचीली भी है, ठीक है। नम्य लचीला संविधान, अगर कोई संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत मतलब जितने उपस्थित हैं उससे आधे के ज़्यादा बहुमत की ही बस आवश्यकता होती है, ठीक है, तो जैसे कोई आम कानून बनता है इस तरह से भी संविधान संशोधन हो जाता है। तो भारत का संविधान न तो अत्यधिक कठोर है और न ही अत्यधिक लचीला है, बल्कि यह दोनों गुणों का मिला जुला रूप है, ये आपको याद रखना है। तो संविधान संशोधन जिस अनुच्छेद में उल्लेख है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, तो यहाँ पर दोनों तरह की मतलब सामान्य और विशेष संशोधनों का प्रावधान है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब अगली विशेषता पे बढ़ते हैं, एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब हमारे संविधान में एकात्मकता और संघीय व्यवस्था दोनों दिखता है। तो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, एकात्मक क्या चीज़ है और संघीय क्या चीज़ है। देखिए एकात्मक मतलब ये होता है कि एक स्तरीय शासन होता है, ठीक है, केंद्र ही सर्वोच्च होता है और संविधान केंद्र को शक्ति देता है और केंद्र के अनुसार राज्य को काम करना पड़ता है, मतलब क्या होता है, एक स्तरीय शासन हो जाता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा पावर होता है किसके पास, केंद्र के पास, ठीक है। तो इस तरह की जो है चीजें संविधान में, हमारे संविधान में निहित है, जैसे कि एक संविधान होना, पूरे भारत का एक संविधान है, राज्य की अलग से ऐसी कोई शक्ति ऐसे पावर नहीं कि उनके लिए अलग संविधान बनाया गया हो, ठीक है। तो ये एकात्मकता की ओर ये झुकी हुई ये चीजें जो दिखेंगी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक संविधान का होना, एकल नागरिकता, कोई अलग राज्य के लिए हमको अलग से नागरिकता नहीं लेना पड़ता, हम पूरे भारत देश के नागरिक कहलाते हैं, ठीक है। केंद्र का सशक्त होना, ठीक है, केंद्र बहुत पावरफुल है, आपात के समय जो समस्त शक्तियाँ वो केंद्र में निहित हो जाती है, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो भी केंद्र के पास होती है। राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, अगर राज्य चाहे तो भी वो केंद्र से अलग नहीं हो सकती, ठीक है, केंद्र सबसे ज्यादा पावरफुल है। एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका में भी जो केंद्र की न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय वो सर्वोच्च है, ठीक है। राज्यों को समान अधिकार का सिद्धांत नहीं, कई कई ऐसे चीज हैं जहाँ पे राज्यों को समान अधिकार नहीं मिलता। संविधान का लचीलापन मतलब केंद्र अपने हिसाब से
कभी कभी संविधान इतना लचीला है कि केंद्र अपने हिसाब से चीजें तैयार कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं संघात्मक की ओर। संघात्मक मतलब जहाँ पे दो स्तर पर शासन दिखता है, केंद्र और प्रांत, इन दोनों की शक्ति का सर्वोच्च जो होता है वो संविधान होता है, और संविधान से दोनों को शक्तियां मिलेगी। ठीक है, मतलब दोनों को लगभग बराबर बराबर शक्तियां मिलती हैं, राज्य का भी यहाँ पे अच्छे से अस्तित्व दिखता है। तो इनमें हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊपर संविधान ही है। केंद्र अगर आपको कुछ बोल रहा है तो आपको मानने की जरूरत नहीं है, अगर वो संविधान में उसका उल्लेख नहीं है तो। ठीक है, लिखित संविधान मतलब हमारे संविधान का प्रमाण भी है, वो लिखित है, हम कोई अनुच्छेद या कोई चीजें जो है हम यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रमाण है इसका। दो, सरकार केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका किसी भी रूप से ऐसा नहीं है कि ये बाधित किया जाएगा इसको, ये स्वतंत्र है। ठीक है, द्विसदनीयता। ठीक है, संविधान की कठोरता मतलब कुछ चीजें ऐसी है कि केंद्र चाह के भी राज्यों का शक्तियों का हनन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों ओर झुकाव दिखती है यहाँ पे। अब अगली विशेषता जो है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान की अगली विशेषता, तो देखिए, भारतीय संविधान से अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली को अपनाया है। दो प्रकार की हमें प्रणाली देखने को मिलता है, एक तो होता है अध्यक्षीय प्रणाली और एक होता है संसदीय प्रणाली। तो जो हमारा संविधान है, ठीक है, भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली पे आधारित है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था विधायिका व कार्यपालिका के बीच सहयोग व समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जबकि अध्यक्ष प्रणाली क्या होते हैं, इसमें कोई संबंध नहीं होता, ये इन दोनों के शक्ति का विभाजन होता है। एक बार एक चीज और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संसदीय और अध्यक्ष को हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संसदीय सरकार में क्या होता है, जहां कार्यपालिका विधायिका से चुनी जाती है। विधायिका जैसे हो गया आपका लोकसभा, लोकसभा विधायिका, विधायिका में आपका हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा हो गया। ठीक है, तो कार्यपालिका में क्या होता है, जैसे हमारा प्रधानमंत्री होगा, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, अन्य बहुत सारे मंत्रियां हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये हो गया आपका विधायिका और ये हो गया कार्यपालिका में प्रधानमंत्री। तो जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका से ही चुने जाते हैं, मतलब जो हमारा प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी में से एक का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, तो वैसे जनरली लोकसभा के बहुमत जो होते हैं, बहुमत जिनका लोकसभा में होता है उनका ही सरकार बनता है, और जनरली लोकसभा का सदस्य जो होना जरूरी होता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे कैसे भी लोकसभा का सदस्य बनना होता है। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में यही होता है कि एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका इस तरह से कार्य करते हैं। और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका अलग होते हैं, और ये प्रणाली कहाँ पे चलती है, अमेरिका में चलती है। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें हम देख लिए। अब बात करते हैं संसदीय प्रणाली को क्या क्या कहा जाता है। तो इसको सरकार के वेस्टमिंटर के रूप में देखा जाता है, उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। ठीक है, और मंत्रिमंडलीय सरकार भी इसे कहा जाता है। उत्तरदायी सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका विधायिका से ही चुनी जाती है, इसलिए कुछ भी करते हैं ये तो उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, विधायिका के प्रति, कार्यपालिका। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखना है इसमें। अब देखते हैं संसदीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उस पर भी हम चीजों पे गौर करते हैं। पहला तो होता है नाम मात्र कार्यपालिका प्रधान। जैसे कि हमारा जो है कार्यपालिका प्रधान है राष्ट्रपति, लेकिन ये नाम मात्र ही है। ठीक है, ये जो है वास्तविक प्रमुख नहीं है। वास्तविक प्रमुख कौन हो जाता है, प्रधानमंत्री। सारे कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री। ये सिर्फ नाम मात्र हो जाता है कार्यकारिणी प्रधान। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है। ठीक है, बहुमत दल वाले जो सत्ता होता है उनकी सरकार चुनी जाती है। जैसे लोकसभा में बहुमत होता है उसे अपने सदस्यों से चुनकर प्रधानमंत्री बनाते हैं उन लोग जिनका लोकसभा में बहुमत होता है वो। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है।
निचले सदन का विघटन, ठीक है, तो लोकसभा हो गया, ठीक है, केंद्र का जो निचला सदन होता है लोकसभा होता है, और राज्य का होता है विधानसभा। कई राज्यों में विधान परिषद भी होता है, ठीक है, ऊपरी सदन विधान परिषद होता है, और केंद्र का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, ठीक है। तो ये जो निचले सदन है उनका विघटन मतलब ये भंग किया जा सकता है, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा का विघटन हो जाता है। ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और मतलब ब्रिटिश की जो संसद प्रणाली है उससे हम इन दो बातों में भिन्न है, एक तो ये हमारा जो है भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, और भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, हमारा जो प्रधान है राष्ट्रपति वो भी निर्वाचित होता है। मतलब भारत कैसा है, गणतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे है भारत पे, जहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था होता है वहाँ पे जो प्रधान होता है वो भी चुना जाता है, निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, उत्तरदायी सरकार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तरदायी सरकार है मतलब ये वंशानुक्रम चुना जाता है, वंशानुक्रम वंशानुक्रम सॉरी, ठीक है, वंशानुगत क्रम क्या होता है, ये एक दूसरे के बाद एक इनके बेटे ऐसे करके राजवंश की तरह ये चलता है, ठीक है। अब देखते हैं, किसी भी संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुछ कुछ राजनीतिज्ञ इस व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री सरकार व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे प्रमुख यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, और अगली विशेषता हो जाती है स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की अगली विशेषता हो जाती है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है, ठीक है, कार्यपालिका किसी भी तरह से न्यायपालिका पे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर रहता है, और इसके बाद क्या रहता है, नीचे राज्य के जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, और इनके नीचे क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय, जैसे निचली अदालत, जिला अदालत या अन्य निचली अदालत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखना है आपको। और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय देखता रहता है, ठीक है, तो ये जो है संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। अगली विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है, मताधिकार का जो है यहाँ पे बहुत महत्व दिया गया है संविधान में। तो भारतीय संविधान में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का आधार है वयस्क मताधिकार, जहाँ से सरकार बनती है, लोकसभा से केंद्र में बन जाती है और विधानसभा से राज्य में बनती है, तो ये इसका जो आधार है वयस्क मताधिकार है, ठीक है। और हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है बिना किसी भेदभाव से मतदान कर सकता है, ठीक है, तो ये सार्वभौमिक मताधिकार हो गया। वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है पहले थी 21 वर्ष, जिसको 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ये याद रखिएगा, घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। पहले कितना था, 21 वर्ष था, जिसको अब घटाकर हमने कर दिया 18 वर्ष, ठीक है। तो ये जो वयस्क अधिकार है वो लोकतंत्र का एक बड़ा आधार है, लोकतंत्र मतलब जहाँ पे सरकार जो है आम जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अब आगे जो विशेषता है वो मौलिक अधिकार, संविधान की विशेषता, तो मानव के गरिमा में जीवन यापन करने के लिए संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो ये कौन कौन से हैं, तो ये हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहाँ पे हम अच्छे से इन पे बात करेंगे, ठीक है, जब मौलिक अधिकार का क्लास हम लेंगे। संविधान की अगली विशेषता है आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के वृहद आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है। तो ये जो तीन आपातकालीन व्यवस्था है वहां पे हम बात करते हैं, एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये कब लाया जाता है, जब बाहरी युद्ध आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, ठीक है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 352 पे, ठीक है, 352 हो गया। अब अनुच्छेद 356 में क्या है उल्लेख, राज्य में आपातकाल, तो राज्य में आपातकाल कब लाया जाता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है, ठीक है, और इससे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, पूरा जो पावर है राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। अनुच्छेद 360 में
वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है, जब भारत में वित्तीय संकट आ जाए, ठीक है, मतलब हमारे पास पैसों की अगर कमी हो जाए तब ये लागू होगा। अभी तक तो ये लागू नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। और इसके अलावा जो कुछ अन्य विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, वहाँ पे हम ध्यान देते हैं। मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में, मूल कर्तव्य का भी उल्लेख है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। जनरली ये पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य कब जुड़ा भारतीय संविधान में और किसकी अनुशंसा पर जुड़ा, तो स्वर्ण शी समिति के अनुशंसा पर जुड़ा था ये, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व तो भारतीय संविधान की विषय अगली विशेषता है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु ये बनाया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, और संविधान की एक राजभाषा का प्रावधान है जो हिंदी है और लिपि है देवनागरी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का उल्लेख है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो जो चीज़ मैंने बताया आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों में, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।